तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट हिस्ट्री का, और टॉपिक है हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और ये वीडियो इस सीरीज का फर्स्ट है, यानी कि इस चैप्टर पर हम कई सारे वीडियोस करने वाले हैं और उस सीरीज का पहला पार्ट है हमारा ये वीडियो। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो शुरुआत में सबसे पहले हमें एक इमेज देखने को मिलता है, और ये इमेज बनाया गया है एक पेंटर द्वारा जिसका नाम है फ्रेडरिक सोरियो। और इस चैप्टर में हम इस इमेज में दर्शाए गए डिफरेंट इश्यूज को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए 1848 में फ्रेडरिक सोरियो, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, उसने एक चार प्रिंट्स की एक सीरीज बनाई थी, यानी कि चार पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाई थी, और जिसका उसने नाम दिया था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। सॉरी, नाम नहीं दिया था, मतलब इस इमेज में उसने एक वर्ल्ड दर्शाया था जिसमें जो बना हुआ था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स से मिलकर। तो इसमें जो पहला प्रिंट है यहाँ पर दिखाया गया फिगर फर्स्ट में, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए ये जो इमेज है ये इस सीरीज का पहला प्रिंट है, और इस इमेज के बारे में हम कुछ बात करेंगे। जो पहला प्रिंट है इस सीरीज का, ये दिखाता है कि यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं, जिसमें कि महिलाएं और पुरुष सभी लोग, और महिलाएं और पुरुष सभी एजेस के, यानी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और वो सभी क्लासेस के हैं, यानी कि अमीर हैं, गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, सभी लोग एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक चेन बनाकर, एक ट्रेन बनाकर आगे चल रहे हैं, और वो स्टेचू ऑफ लिबर्टी के सामने अपना सर झुका रहे हैं और उसे होमेज प्रदान कर रहे हैं। तो आप अगर याद कर पाएंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में जो लिबर्टी थी, लिबर्टी जो लिबर्टी फीलिंग होती है, उसे जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे वो फीमेल फिगर के रूप में बनाते थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो फीमेल फिगर से अगर आप नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको समझा दूं। तो जिस तरह से देखिए हम भारत माता को एक फीमेल फिगर के रूप में मानते हैं या फिर दर्शाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से फ्रेंच आर्टिस्ट ने इस लिबर्टी को एक फीमेल फिगर बनाया था जिसे वो काफी रिस्पेक्ट करते थे, काफी इज्जत देते थे। इसके बाद तो अगर आप इमेज में ध्यान दें तो इमेज में फोरग्राउंड पर सैटर ऑफ रिमन ऑफ सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस, तो जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे उसके रिमेंस जमीन पर पड़े हुए हैं आपके सामने। तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, अगर आप किताब लेकर अपने सामने नहीं बैठे हुए हैं तो। यहां देखिए, यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर आपको बहुत सारे बिल्डिंग्स के टुकड़े पड़े हुए हैं जो कि सैटर्ड हो चुके हैं, यानी कि जो क्या कह सकते हैं, गिर चुके हैं या तोड़ दिए गए हैं। इसके बाद तो एब्सोल्यूटिस्ट का हो सकता है कि आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा हो, ये मैं आपको समझा देता हूँ। एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है, लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज इन हिस्ट्री। द टर्म रेफर्स टू फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। सो एब्सोल्यूटिस्ट का सिंपल मतलब होता है कि वैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का, वो जिस तरह से चाहे उस तरह से रूल करे, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो देखिए इन सोरियोस यूटोपियन विजन, तो यहां पर यूटोपियन विजन क्या हो गया, तो यूटोपियन का विजन यूटोपियन का मतलब सीधा सीधी ये होता है, अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। तो देखिए इस तरह का विजन, इतना क्या कहते हैं, इतना आइडियल विजन जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, वो मेरे ख्याल से का मतलब इसका एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये यूटोपियन विजन कैसे हो गया, आज तो यूरोप के ज्यादातर नेशन जो है वो डेमोक्रेटिक है। तो ये उस समय के व्यूज के अनुसार बनाया गया, यानी उस समय में वैसा थोड़ी ना लगता था कि जो आगे चलकर सभी देश वो डेमोक्रेटिक हो जाएंगे, उस समय के अनुसार ये एक यूटोपियन विजन है। और इस विजन में
जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड के, वो ग्रुप है यानी कि समूह में है, अलग अलग देशों के समूह में, और उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके फ्लैग्स के माध्यम से या फिर उनके नेशनल कॉस्ट्यूम के माध्यम से। तो इस प्रोसेशन को लीड कौन कर रहा है, इस प्रोसेशन को लीड कर रहा है जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड। तो इस उसका रीजन यह है कि ये जो दोनों जो देश थे स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स, ये उस समय तक नेशन स्टेट्स बन चुके थे। नेशन स्टेट क्या होता है इसको हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इसके बाद फ्रांस, इन दोनों के बाद है फ्रांस। फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर, तो फ्रांस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप जो रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जो कि अभी अभी स्टैचू के पास पहुंचा है, यानी कि वो आपके स्विट्जरलैंड और यूएसए के पीछे है। और इसके बाद जर्मनी के लोग हैं जो कि फ्रांस के पीछे चल रहे हैं, जिन्होंने ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग को पकड़ा हुआ है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस समय सोरियो ने इस इमेज को बनाया था उस समय तक जो जर्मन लोग थे वो एक जर्मनी नाम के देश के अंदर रहते भी नहीं थे। उस समय तक जो जर्मनी थी वो अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई थी, जैसे कि 1947 से पहले इंडिया जो थी वो कई सारे प्रिंसली स्टेट्स में थी और ब्रिटिश कंट्रोल में थी। ये बिल्कुल उसी तरीके से जो जर्मनी थी वो कई सारे छोटे छोटे देशों में बटी हुई थी और वो एक जर्मनी आइडेंटिटी के रूप में नहीं थी। और जो फ्लैग वो कैरी कर रहे हैं वो एक उनके होप्स को, लिबरल होप को दर्शाता है। 1848 में जो लोग चाहते थे कि जो बहुत सारे जर्मन स्पीकिंग जो देश हैं या फिर स्टेट हैं उनको मिलाकर एक नेशन स्टेट बनाया जाए जिसका शासन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चले। तो इसके बाद जर्मन पीपल के बाद ऑस्ट्रिया के लोग हैं, टू सिलीसियस किंगडम के लोग हैं, लोम्बार्डी के लोग हैं, पोलैंड के, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया के लोग उनके पीछे चल रहे हैं। तो इसके बाद ऊपर से यानी हेवन से जो क्राइस्ट है भगवान वो देख रहे हैं, सभी संत देख रहे हैं और जितने भी एंजल्स हैं वो सभी इन लोगों के ऊपर ध्यान लगाए हुए हैं, इन सभी जो ये प्रोसेशन चल रहा है इसके ऊपर ध्यान लगाए हुए हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो उनको इस यानी कि जो भगवान है उनको ये दर्शाने के लिए यूज किया गया कि देखिए जो फ्रेटर्निटी है सभी देशों के बीच में वो कितनी ज्यादा अच्छी है और कितनी अच्छी है। तो यहाँ देखिए व्हाट इज अ नेशन, तो अर्नेस्ट ट्रेनन एक बहुत जाने माने व्यक्ति है, इस चीज को आप पढ़ सकते हैं। अगर इस चीज को आपको पढ़ेंगे तो व्हाट इज अ नेशन ये चीज आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो उतना आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है और आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, केवल आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, तो उसके लिए आप खुद से उसे पढ़ सकते हैं। तो इस चैप्टर में सिंपली हम पढ़ने वाले हैं वैसे इश्यूज को जो कि इस इमेज में सॉरी द्वारा दर्शाए गए हैं। 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म थी वो एक फोर्स बनकर उभरी जिसने सभी चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस लाए पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में, यूरोप के यानी यूरोप के जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम था या फिर मेंटल स्थिति थी उसको काफी हद तक बदल दिया था। तो इसका परिणाम ये निकला कि जो कंट्रीज थे वो अब कोई स्टेट या फिर कोई राज्य या फिर कोई डायनेस्टी बनकर नहीं रहे, इस यहाँ से एक नेशन स्टेट का इमर्जेंस हुआ इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। तो यहाँ पर मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में। तो देखिए जो नेपोलियन था वो फ्रेंच था, उसने जर्मनी को कैप्चर किया था और दूसरे बहुत सारे देशों को कैप्चर किया था। तो क्या उसने अपने फ्रेंच आइडेंटिटी को छोड़ दिया था? नहीं। क्या जर्मन लोगों ने जिसको उसने कैप्चर किया था उन्होंने अपने जर्मन आइडेंटिटी को छोड़ दिया था? नहीं। उसी तरीके से दूसरे रीजन के लोगों ने क्या फ्रेंच आइडेंटिटी अपना लिया था? नहीं। वो सभी अपनी अपनी आइडेंटिटी पर थे, यानी जो जर्मन था वो जर्मन था, जो ऑस्ट्रियन था वो ऑस्ट्रियन था, जो फ्रेंच था वो फ्रेंच था। तो इस तरह से वो जो अलग अलग स्टेट्स थे वो अलग अलग नेशन हो गए। तो इस तरह से जो नेपोलियन का साम्राज्य वो क्या हुआ? मल्टीनेशनल डायनेस्टी हुआ, डायनेस्टिक एम्पायर हुआ। तो इस तरह की चीजें जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी और मेंटल सिचुएशन थी इस तरह की चीजें हट गई थी और उसके जगह पर नेशन स्टेट सामने आ चुका था, नेशन स्टेट। और जो कंसेप्ट है और प्रैक्टिस है मॉडर्न स्टेट का, जहां पर सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज किया जाएगा सॉवरेन कंट्रोल और एक डिफाइंड टेरिटरी के अंदर, और ये काफी दिनों से डेवलप हो रही थी। लेकिन जो नेशन स्टेट था वो जहां पर
नेशन स्टेट का मीनिंग यहाँ पर हम सिंपली समझ लेते हैं, नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। तो देखिए, नेशन स्टेट एक तरह का आइडेंटिटी थी जिसमें कि वहाँ के केवल रूलर नहीं, वहाँ के सिटीजन भी एक उनके अंदर एक भावना आती थी कॉमन आइडेंटिटी की, यानी कि मैं फ्रेंच हूँ तो तुम भी फ्रेंच हो, तो वो भी फ्रेंच है तो यहाँ का रूलर भी फ्रेंच है, इस तरह से। यानी कि मैं इंडियन हूँ तो आप भी इंडियन है, कोई दूसरा व्यक्ति भी इंडियन है इंडिया में रहने वाला, और यहाँ का जो राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है वो भी इंडियन है। तो ये एक तरह का नेशन स्टेट का आप डेफिनेशन समझ सकते हैं। केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री और डिसेंट। This commonness did not exist from time immemorial. It was forged through struggles through the action of leaders and common people. तो देखिए, ऐसा नहीं था कि ये तुरंत ही लोगों के दिमाग में ये आइडिया आ चुका था, ये लोगों के दिमाग में ये आइडिया आया था काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद और लीडर्स के बहुत सारे एक्शन के बाद और कॉमन पीपल के बहुत सारे एक्शन के बाद। तो ये जो चैप्टर है ये देखेगा आपके बहुत सारे डाइवर्स प्रोसेस को, जिसने आगे चलकर नेशन स्टेट और नेशनलिज्म को आगे चलकर बढ़ावा दिया, और नेशन स्टेट और नेशनलिज्म यूरोप में 19 सेंचुरी में सामने आए। तो आगे अब हम बढ़ते हैं, आगे क्या हमें पढ़ना है देख लेते हैं। यहाँ पर खत्म होता है और इसके बाद हमारा पहला टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।